उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से केसरगंज सीट भी हाई प्रोफाइल और हॉट सीट मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी बीते कई सालों से इस सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इस बार बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, सवाल इस वजह से उठ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह का अब टिकट तक कैसरगंज से कट गया। लेकिन बीते कल जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया, कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354 और 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि उनके खिलाफ जो 6वां मामला है उसे खारिज कर दिया गया है। इसके बाद से अब सवाल ये उठते हैं कि कैसरगंज सीट पर समीकरण कितने बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण, जिन्हें बीजेपी आलाकमान ने टिकट दिया है, क्या वह इस सीट से इतनी आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे? दरअसल बीजेपी ने इस सीट को लेकर काफी मंथन किया और इसके बाद उम्मीदवार को फाइनल किया। इसकी 2 वजह मानी गई कि पहला ये कि महिला पहलवान का पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान के साथ कई राज्यों में जाति वर्ग विशेष के लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा ये कि कैसरगंज, गोंडा, अयोध्या के साथ लोकसभा सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी ने बीच का रास्ता निकालते हुए करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी की इस रणनीति पर यहाँ पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती हुई नजर आई, वो ये रही कि सांप ही मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद से देखा जाए सवाल ये उठते हैं कि करण भूषण इस सीट से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पहले की तरह ना सही, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज और आसपास के इलाकों में दबदबा तो माना जाता है। बीजेपी एक एक सीट जीतना काफी महत्वपूर्ण मान रही है, तो ऐसे में कैसरगंज पर बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में प्रेम कुमार धूमल की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है और धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर के होते हुए उनके संसदीय क्षेत्र में ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं कि आखिरकार यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण क्या वाकई में जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। जानकारी दे दें कि 20 मई को इस सीट पर चुनाव होने वाले हैं। देखना होगा कि आखिरकार इस सीट पर क्या वाकई में ब्रजभूषण के बेटे बाजी मार पाएंगे या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।